हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कोट पे आयरन किस तरीके से की जाती है। और दोस्तों, कोट पे आयरन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ रहती है मैं आपको बताऊं। कोट पे आयरन रहती है मुड्डे पे। मुड्डे पे प्रेस लगाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले घोड़ा गद्दी, जो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हर किसी के पास घोड़ा गद्दी नहीं होती। पूरे यूट्यूब पर इसकी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, ये वीडियो हमने इस पर बना के डाली है यूट्यूब पर, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप हमारी वीडियो घोड़ा गद्दी की देख सकते हैं किस तरीके से ये बनाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। आपको आयरन करने का तरीका क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी प्रेस लगनी है वो लगनी है दामन पे। तो आप ध्यान से देखिएगा और 100% मन लगा के वीडियो देखिएगा। जो मैं इसके नुक्ते हैं वो बारीकियाँ हैं, कोट पर किस तरीके से प्रेस की जाती है मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपके लिए बतला दूंगा। दोस्तों, एक हाथ में आप जो है ये अपना लकड़ी का फूंटा या फिर स्केल कुछ भी आपके पास हो वो ज़रूर रख लें। इससे दबाव पूरा दें, प्रेशर, ताकि अब कपड़ा वहाँ के वहीं बैठ जाए। दोस्तों, कपड़ा फूला हुआ नहीं रहता है, गरम गरम आयरन लगती है तो हमारा कपड़ा फूल जाता है, लेकिन इसे दबा देने से दब जाता है। दोस्तों, तो इस तरीके से जैसे मैं करता हूँ वैसे ही सेम टू सेम कॉपी करिए। दोस्तों, बेस्ट तरीका सीखिए, क्या अच्छा तरीका है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा क्या है इसका तरीका बेस्ट। दोस्तों, ये हमारा कॉलर है। हम अब जो सेकंड राउंड लेंगे वो लेंगे कॉलर का। तो कॉलर पे प्रेस मारेंगे सबसे दूसरी बार, ये चीज़ समझिए आप। दोस्तों, मैं कहाँ किस जगह प्रेस मार रहा हूँ, किसके बाद में क्या नंबर आना है, दोस्तों ये ही नोटिस करना है आपको, है ना। ये चीज़ आप नोटिस करिए कि मैं इसके बाद में किस पे प्रेस मारूँगा, तो इसके बाद में क्या मारूंगा। दोस्तों, इसमें तरीके होते हैं कोर्ट पे प्रेस लगाने के, यही वाले कि इसके बाद में कहाँ प्रेस लगनी चाहिए जो रुकी रहेगी, बिगड़ेगी नहीं प्रेस। दोस्तों, तो ये समझिए आप। दोस्तों, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो पूरे YouTube पर कोई नहीं बताए। कि दोस्तों, हमें जो YouTube पर जो सीखना है, सबसे ज़्यादा सीखना वो है बारीकियाँ, इसके जो नुक्ते हैं वो सीखना है दोस्तों। तो यही हम सीखते हैं दोस्तों, ये चीज़ें आप सीखनी है, इसके जो आपको पॉइंट पकड़ने हैं कि बेहतर चीज़ क्या है। दोस्तों, जो आपको हमारा काम बेहतर लगता है, ज़रा सा भी अच्छा लगता है, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों शेयर भी कर दिया करें। इससे क्या होगा दोस्तों, जो काम सीखते हैं टेलर लोग, और भी किसी का भला हो जाए आपके ज़रिए से, तो दोस्तों अच्छी बात है, बेस्ट रहेगा। दोस्तों, ये मुड़े के पास में रखना है दोस्तों, इसकी मार्जिंग जो होती है अब अंदर की साइड करके रखना होता है दोस्तों। आप इस तरीके से प्रेस मारिए, ये उंगली से इस तरीके से कर दीजिएगा, साइड साइड में ऊपर ना करते हैं।
दोस्तों इस तरीके से नीचे की तरफ इसको प्रेशर बना के पकड़ें और जो हमने इस पे बैठे हैं इसको आस्तीन को पीछे की साइड खींच के रखनी है। इस पे तनाव बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इस तरीके से आप जो है प्रेस को रखिए और ज़रा सा भी इस पे रिंकल फोल्ड नहीं आना चाहिए कहीं भी। आपको खुद दिख रहा होगा इसका सेफ कितना बेहतरीन तरीके से बैठ गया है हमारे घोड़ा गद्दी के ऊपर, और कितना बेस्ट तरीके से कस्टमर पहनेगा तो कितना अच्छा लगेगा, आप खुद अमेजिंग कर सकते हैं। आप इस तरीके से हल्का सा पीछे को करिए और यहाँ पे जितना भी ये कपड़ा है होता है इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे अलग अलग हटा दीजिए, और हटाने के बाद में इस पर प्रेस हम थोड़ा सा रख देंगे। ये देखिए हमारा कहीं से कहीं तक कोई फॉल्ट नहीं है इसके अंदर भी। हमने इसमें प्रेस करने का बेस्ट तरीके आपको बताए हैं, और भी इसकी बारीकियां हैं जो आप देखते रहें और समझ में आएगा। कि सेकंड बाजू हम रख देंगे इसी तरीके से स्लिप इसकी, और वही जो तरीका हमने इस पर आजमाया था दूसरी पहली बाजू पर, इस पर भी इसी तरीके से प्रेस करेंगे दोस्तों। इसको अच्छे से दबा लें दोस्तों, खींच के रखना है इसको इस अंदर की साइड को, ठीक है। ये इधर को खींचना है नीचे को, तो ये हमें दोनों तरफ से खींच के रखना है बाजू। हमारा जो पैड इसमें लगाया है वो अच्छे से टूट बैठ जाना चाहिए, यानी फोल्ड हो जाना चाहिए, इसके अंदर गोलाई पूरी अच्छे से आ जानी चाहिए पैड की, तभी हमारा जो मूढ़ा है वो गोल बैठता है दोस्तों। ये चीज़ देखिए दोस्तों कितनी बेस्ट तरीके से, इसमें कोई रिंकल नहीं, कोई नम नहीं जरासी भी, और हमारे जो मुड्डे हैं दोनों मुड्डों पर प्रेस हो चुकी है। अब जो प्रेस मारनी हमें वो मारनी है दामन पे, तो दामन पे मारने के लिए दोस्तों ये देखिएगा, समझिए आप, यहाँ पे मैं प्रेस मारनी है। अपने स्केल से हम बताते हैं आपको, दबाते रहें इस तरीके से, क्योंकि गरम गरम फैब्रिक होता है तो क्या होता है ना, फूल जाता है, इसने इससे दबा देंगे तो हुई क्यों ही चिपक जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से आप भी ध्यान दें और ऐसे ही प्रेस मारें जिस तरीके से मैं आपको प्रेस मारना सिखा रहा हूँ। दोस्तों कोट के काम में जो है ना सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है प्रेस, है ना। कमी प्रेस अगर अच्छे से आप करना जानते हैं, अगर आपके कोट में कोई दिक्कत भी है ना, तो हम जो है प्रेस से वो दूर कर सकते हैं। अगर हम पूरा कोट अच्छा बना लेते हैं, बेस्ट बना लेते हैं, और हमसे प्रेस करना नहीं आता ना, तो वो मज़ा नहीं आएगा कोट के अंदर। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रेस, अगर अच्छे से प्रेस हो जाए तो दो चार कमी हो, कुछ भी कमी हो, वो कमी भी हम प्रेस से दूर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे उस्ताद ने यही सिखाया, तो हमने प्रेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। प्रेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी फैब्रिक पे ले लो, पैंट पे ले लो, शर्ट पे ले लो, प्रेस अगर आप अच्छा करना जानते हैं तो ऐसे ही तरीका कोट का है। अगर आप प्रेस अच्छा करना जानते हैं तो आप जो है फोल्ड को भी दूर कर सकते हैं, कोई फोल्ड होता है तो। अगर आपसे पूरा कोट अच्छा बनाना जानते हैं, अगर प्रेस नहीं आती तो ये लगा लीजिए, आपसे फोल्ड आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों कि चाक नहीं फटा, चाक को ऊपर चढ़ा के ही प्रेस लगानी है हमारा, क्योंकि साइड चाक है दोस्तों इसमें। इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखनी है तो आपको ध्यान रखना है कि हमने कहाँ प्रेस मारना शुरू करा है और कहाँ से कहाँ तक शुरू करते हैं दोस्तों, ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद में कहाँ से मारेंगे प्रेस कोट के अंदर, ये चीज़ ज़रूरी होती है दोस्तों, यही सीखना है हमें। और इसमें क्या सीखना है दोस्तों, ये बैक का जॉइंट होता है दोस्तों बीच में, इस पर भी प्रेस बहुत अच्छे से मारते हैं ताकि ये फूले नहीं।
दोस्तों इस तरीके से चढ़ा के रखें ऊपर की साइड में, कभी भी चाक को अलग पलतर फैलाएं नहीं, इससे क्या होगा दोस्तों चाक कभी कस्टमर का फटेगा नहीं। दोस्तों ये गत्था जो हम लगा रहे हैं वो गत्था इसलिए लगा रहे हैं ताकि नीचे ढाप नहीं मारे। कई बार क्या होगा ना, जैसे कि हम प्रेस रख देते हैं और नीचे भी छप जाता है, तो हम गत्था नीचे लगा देंगे तो इसे छपेगा नहीं दोस्तों, फिलहाल हमारा नीचे नहीं छपेगा। और इसको हम इससे ठंडा भी कर देंगे हवा से तो ये वहीं को ही सेट हो जाएगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारी जो कोट पर प्रेस ऑलरेडी लग चुकी है, यह हमारी प्रेस का तरीका देखिए दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और अगर हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ ही, तब तक के लिए गुड बाय।